नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ज्योतिष, रेखी, प्राणी हीलिंग, नंबरोलॉजी, हस्त रेखा, चिकित्सा, साधना से जुड़े लोग भाग लें तो उन्हें अत्यधिक लाभ मिलेगा। इस साधना से सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को जानना आसान हो जाता है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या UPI से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कालसर्प योग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कालसर्प योग होता क्या है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि कालसर्प योग जो होता है 100 में से 60 लोगों के ऊपर कालसर्प योग बना ही रहता है, यानी कर्म प्रधान भाग्य प्रधान नहीं। कालसर्प योग का मतलब है कि आप कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा। भाग्य प्रधान का अर्थ ये है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको जीवन में सब कुछ मिलता रहेगा। ऐसे लोग जीवन में बहुत कम लोग होते हैं। तो आज का युग कर्म प्रधान माना जाता है, उसमें कालसर्प योग है। कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन सब का जो मूल स्वरूप है वो ये है कि आपके कार्य में बाधा पैदा करना, आपके आसान कार्य को भी कठिन बना देना, यानी जिस कार्य को दूसरे व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं वो कार्य भी अगर आप करने जाएं तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यूँ समझ लो कि आप 100 रुपये की खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं, जिसमें 100 रुपये आपको कमाने चाहिए, लेकिन कालसर्प होने की वजह से आपको 10 से 12 रुपये मिलते हैं। यानी आपने खून पसीने गंवाएं 100 रुपये के, लेकिन जो आपको मिला 10 से 12 रुपये मिला। इससे आदमी कभी कभी बहुत निराश हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। उसको अपने कर्म का, अपने कार्य का पूरा फल मिलता ही नहीं और निराशा में वो चिड़चिड़पना हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो गुस्सा किसी दूसरे के ऊपर तो उतार नहीं सकता, तो जहाँ पर उसका हक होता है वहाँ पर वो गुस्सा उतारता है, अपने पत्नी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। तो कहने का मतलब है घर में भी वातावरण क्लेश युक्त हो जाता है कि आपकी कुंडली में राहु और केतु के एक साइड बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं और एक साइड खाली रहता है, तो इसको कालसर्प योग कहते हैं। आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकते हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। राहु और केतु के एक साइड में पूरे ग्रह अगर हैं और दूसरा साइड खाली है तो इसको आप कालसर्प कह सकते हैं। अगर एक साइड में पूरे ग्रह हैं और दूसरे साइड में सिर्फ चंद्र है तो इसको अर्ध कालसर्प योग कहा जाता है। याद रखिए, एक राहु और केतु के एक साइड में सभी ग्रह हैं लेकिन चंद्र सिर्फ बाहर है, तो इसको अर्धकालसर्प योग। यानी सभी ग्रह हैं तो कालसर्प योग और चंद्र अगर बाहर है तो अर्धकालसर्प योग कहा जाता है। तो कालसर्प एक ऐसा योग है, ये अगर आपकी कुंडली में है तो आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सी अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत सी आप महसूस करेंगे कि नौकरी में जो आपके साथी हैं काम करने वाले, उनकी तरफ से आपको अड़चन आ रही है, आपके बॉस की तरफ से आपको अड़चन आ रही है, आपकी पदोन्नति रुक गई है, आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब एक अतृप्त आत्मा, जिसे कहते हैं कि मन अतृप्त रहता है, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, हर पल इनसिक्योरिटी बनी रहती है, असुरक्षा की भावना बनी रहती है, कब मेरी नौकरी चली जाए, इस तरह की भावना बनी रहती है। और जो व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनकी भी यही हालत होती है कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जितना उनको फल मिलना चाहिए उतना फल उनको नहीं मिल पाता, वो भी पूरी तरीके से निराश होने लगते हैं। दुकान धंधे वाले भी इसी तरह के होते हैं। कहने का मतलब हर कार्य में, यहाँ तक कि जो काम आसानी से भी होते हैं वो काम आपके लिए बहुत ही कठिनाईपूर्ण हो जाते हैं। इसे कालसर्प योग कहा गया है। यूं समझ लो कि अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप बाहर की दुनिया को देख नहीं पाएंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन कालसर्प का अर्थ ये है, ये आप समझ लो कि आपके हाथ पैर को बांध दिया जाता है और बाहर की दुनिया में छोड़ दिया जाता है।
तो आप बाहर की दुनिया को देख तो सकते हो लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसका उपभोग नहीं कर सकते, उसे काल सर्प योग कहा जाता है। आपका विवाह में अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं, सगाई में अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं, कोई मीटिंग करते हैं तो वो सफल नहीं होता, कोई भी कार्य आपका जब सफल नहीं होता तब हालत होता, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को काल सर्प दोष निवारण करने के लिए ऐसे लोगों को एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र है वो जाप करें, और जो कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा ये है कि काल सर्प की एक विशिष्ट प्रकार की पूजा होती है, उसे करवाना चाहिए। काल सर्प के बारे में कहा जाता है कि इसे जीवन में 3 बार करना पड़ता है, 2 बार शादी के पहले और 1 बार शादी के बाद पत्नी के साथ। यानी एग्जाम्पल, आज आपने काल सर्प का पूजन करवाया तो इसके 6 महीने के बाद दूसरा पूजा करवा सकते हैं, भले आप 1 वर्ष के बाद कराएं लेकिन कम से कम 6 महीने के बाद दूसरा पूजा आपको करवाना होगा। और तीसरा पूजा होता है, जो तीसरी पूजा होती है वो विवाह करने के बाद होता है। आप शादीशुदा हैं तो भी वही नियम लागू होता है कि 1 पूजा करने के बाद 6 महीने बाद दूसरी पूजा, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद तीसरी पूजा, और तीनों पूजा पत्नी के साथ ये करनी पड़ती है, तब जाके धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू होता है। कहते हैं एक बार काल सर्प का पूजा आप कराते हैं तो 25% का फायदा मिलता है, दूसरी बार 50% और तीसरी बार 75%। और 25% से सबको समस्या रहती ही है, दुनिया में कोई इसे बचा नहीं है। तो काल सर्प से जैसे जैसे आपको आराम मिलेगा, आप महसूस करेंगे कि आपकी कार्य में प्रगति हो रही है, धंधे स्वभाव में प्रगति हो रही है, बिजनेस में प्रगति हो रही है, सांसारिक जीवन चलाने में प्रगति हो रही है, हर तरीके से आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो काल सर्प दोष निवारण बहुत 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 जरूरी है। इसे किसी भी सोमवार से, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से, यानी इस दिन शिवरात्रि आती है, या महाशिवरात्रि के दिन से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। इस काल सर्प निवारण दोष की पूजा आप करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी जो विशिष्ट प्रकार की मंत्र है वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए कोई नियम नहीं है, दोनों आंखों के बीच में ध्यान करें, आराम से आप बैठ जाएं और 10 बार सांस लें, गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, धीरे से छोड़ें, और 10 बार सांस लेने के बाद यानी प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद विशिष्ट तरह की एक मुद्रा बनाएं, इसके सुकरी मुद्रा कहते हैं। ये सुकरी मुद्रा बनाने के बाद काल सर्प मंत्र, ओम ह्रीम राम केम राहु केतुवाय ह्रीम नमः, ओम ह्रीम राम केम राहु केतुवाय ह्रीम नमः। मैं एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीम राम केम राहु केतुवाय ह्रीम नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें या धीमी आवाज में जाप करें। इस मंत्र को नॉर्मली 11 माला 11 दिन तक करते रहना चाहिए। 11 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें, 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, इससे भी आपको लाभ मिलता है। तो ये एक सतत अभ्यास है, इसके बाद भी 1 माला मंत्र का आप जाप करते रहें। इस मंत्र को किसी भी, जैसे मैंने कहा कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी विशेष मुहूर्त में इसकी पूजा करवा लें तो बहुत बेहतर होगा। इसकी पूजा को, जैसे मैंने बताया, किसी भी शिवरात्रि के दिन से, सोमवार के दिन से इसकी पूजा करने से बहुत फायदा मिलता है। इसकी पूजा 2 पद्धतियों से की जाती है, एक पूजा होती है वैदिक परंपरा के द्वारा, दूसरी पूजा होती है तांत्रिक्त परंपरा के द्वारा। मेरी राय में आप तांत्रिक्त परंपरा से अगर इसका पूजन करवाएं तो लाभ आपको अत्यधिक मिलेगा। ऐसा नहीं कि वैदिक परंपरा से लाभ नहीं मिलता, वैदिक तो हमारा सनातन धर्म है, पहले से चला आ रहा है, लेकिन अगर तांत्रिक पद्धति से इसका पूजन करवाएं तो आपको लाभ पहले से ज़्यादा मिलेगा। आशा है ये मंत्र का आप जाप करेंगे, अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। अगर आपको पूजा करवानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप फॉर्म फिल करके पूजा में भाग ले सकते हैं।
वो भी पूरी तरीके से निराश होने लगते हैं। दुकान धंधे वाले भी इसी तरह के होते हैं। कहने का मतलब हर कार्य में, यहाँ तक कि जो काम आसानी से भी होते हैं वो काम आपके लिए बहुत ही कठिनाई पूर्ण हो जाते हैं। इसे कालसर्प योग कहा गया है। यूं समझ लो कि अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप बाहर की दुनिया को देख नहीं पाएंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन कालसर्प का अर्थ ये है, ये आप समझ लो कि आपके हाथ पैर को बांध दिया जाता है और बाहर की दुनिया में छोड़ दिया जाता है। तो आप बाहर की दुनिया को देख तो सकते हो लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसका उपभोग नहीं कर सकते। उसे कालसर्प योग कहा जाता है। आपका विवाह में अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, सगाई में अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, कोई मीटिंग करते हैं तो वो सफल नहीं होता, कोई भी कार्य आपका जब सफल नहीं होता तब हालत होता। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को कालसर्प के लिए, कालसर्प इम्प्रूवमेंट, कालसर्प दोष निवारण करने के लिए ऐसे लोगों को एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र है, वो जाप करें, और जो कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा ये है कि कालसर्प की एक विशिष्ट प्रकार की पूजा होती है, उसे करवाना चाहिए। कालसर्प के बारे में कहा जाता है कि इसे जीवन में 3 बार करना पड़ता है, 2 बार शादी के पहले और 1 बार शादी के बाद पत्नी के साथ। यानी एग्जाम्पल, आज आपने कालसर्प का पूजन करवाया तो इसके 6 महीने के बाद दूसरा पूजा करवा सकते हैं। भले आप 1 वर्ष के बाद कराएं लेकिन कम से कम 6 महीने के बाद दूसरा पूजा आपको करवाना होगा। और तीसरा पूजा होता है, जो तीसरी पूजा होती है वो विवाह करने के बाद होता है। आप शादीशुदा हैं तो भी वही नियम लागू होता है कि 1 पूजा करने के बाद 6 महीने बाद दूसरी पूजा, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद तीसरी पूजा, और तीनों पूजा पत्नी के साथ ये करनी पड़ती है, तब जाके धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू होता है। कहते हैं एक बार कालसर्प का पूजा आप कराते हैं तो 25% का फायदा मिलता है, दूसरी बार 50% और तीसरी बार 75%। और 25% से सबको समस्या रहती ही है, दुनिया में कोई इसे बचा नहीं है। तो कालसर्प से जैसे जैसे आपको आराम मिलेगा, आप महसूस करेंगे कि आपकी कार्य में प्रगति हो रही है, धंधे स्वभाव में प्रगति हो रही है, बिजनेस में प्रगति हो रही है, सांसारिक जीवन चलाने में प्रगति हो रही है, हर तरीके से आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कालसर्प दोष निवारण बहुत 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 जरूरी है। इसे किसी भी सोमवार से, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से, यानी इस दिन शिवरात्रि आती है, या महाशिवरात्रि के दिन से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। इस कालसर्प निवारण दोष की पूजा आप करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी जो विशिष्ट प्रकार की मंत्र है वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए कोई नियम नहीं है, दोनों आंखों के बीच में ध्यान करें, आराम से आप बैठ जाएं और 10 बार सांस लें, गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, धीरे से छोड़ें। और 10 बार सांस लेने के बाद यानी प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद विशिष्ट तरह की एक मुद्रा बनाएं, इसके सुकरी मुद्रा कहते हैं। ये सुकरी मुद्रा बनाने के बाद कालसर्प मंत्र ओम ह्रीम राम केम राहु केतुवाय ह्रीम नमः, ओम ह्रीम राम केम राहु केतुवाय ह्रीम नमः। मैं एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीम राम केम राहु केतुवाय ह्रीम नमः। इस मंत्र का 500 जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें। इस मंत्र को नॉर्मली ग्यारह माला 11 दिन तक करते रहना चाहिए। 11 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें, 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, इससे भी आपको लाभ मिलता है। तो ये एक सतत अभ्यास है, इसके बाद भी एक माला मंत्र का आप जाप करते रहें। इस मंत्र को किसी भी, जैसे मैंने कहा कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी विशेष मुहूर्त में इसकी साधना करें, इसकी पूजा करवा लें तो बहुत बेहतर होगा। इसकी पूजा को, जैसे मैंने बताया, किसी भी शिवरात्रि के दिन से
सोमवार के दिन से इसकी पूजा करने से बहुत फायदा मिलता है। इसकी पूजा दो पद्धतियों से की जाती है, एक पूजा होती है वैदिक परंपरा के द्वारा, दूसरी पूजा होती है तांत्रिक परंपरा के द्वारा। मेरी राय में आप तांत्रिक परंपरा से अगर इसका पूजन करवाएं तो लाभ आपको अत्यधिक मिलेगा। ऐसा नहीं कि वैदिक परंपरा से लाभ नहीं मिलता, वैदिक तो हमारा सनातन धर्म है, पहले से चला आ रहा है, लेकिन अगर तांत्रिक पद्धति से इसका पूजन करवाएं तो आपको लाभ पहले से ज़्यादा मिलेगा। आशा है ये मंत्र का आप जाप करेंगे, अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। अगर आपको पूजा करवानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप फॉर्म फिल करके पूजा में भाग ले सकते हैं।